आज के सुबह की शुरुआत हो रही है, देख ही रहे हैं आप। ड्रम का ढक्कन नीचे तक फेंका हुआ है बंदरों ने, और ये सीढ़ी में गेहूँ गिरा रखे हैं सारे, तो इन्हीं को उठाने में जा रही हूँ छत में। एकदम से आवाज़ आई नीचे कि क्या गिरा करके, देखा तो यहाँ बंदरों ने जो मैंने गेहूँ रखे हैं, हालांकि ज़्यादा गेहूँ नहीं है, सारे ख़त्म हो गए, थोड़े ही बचे हैं सब। इन्हीं को उठाने आई हूँ मैं, और मैंने कहा जो थोड़ा इधर उधर फैला रखे हैं इनको साफ़ भी कर देती हूँ। तो अभी मैंने ये इन्वर्टर के ऊपर भी गेहूँ गेहूँ कर दी हैं, तो कोने कोने में सारे गेहूँ चले जाते हैं, तो ना सफाई करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा हुआ ज़रा ये मिट्टी का थैला इन्होंने निफाड़ा, नहीं तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती मिट्टी झाड़ने में, पता नहीं कहाँ का कहाँ तक ये फैला देते सारा। तो अभी मैं ये गेहूँ कर रही हूँ साफ, सुबह सुबह एकदम से साफ़ सफाई का काम भी, जब तक चाय ना पी लो ना तो ये काम करने को मन नहीं करता। तब चाय वगैरह भी हमने पी नहीं थी, और मुझे ये सब सफाई करनी पड़ी है सुबह सुबह। तो मैंने ये सारा साफ़ कर दिया है। अब मैंने ना इसके ऊपर एक टूटी कुर्सी थी वो रख दी है। अब डर है कि ये कुर्सी को उठा के नीचे ना फेंक दे, बड़ा दुखी कर दिया है बंदर ने। सारी सीढ़ी साफ कर दिया है, सुबह सुबह काम बढ़ा दिया मेरा, ऊपर से लेके नीचे तक सारे गेहूँ गेहूँ कर दिए है। पहले मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट रखती थी, छोटे छोटे गमले, वो भी एक दिन गिरा के नीचे फेंक दिए, तब से मैंने छोड़ दिया रखना। चलो अब अंदर जाऊँ काम करूँ कुछ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मैंने चाय भी बना ली है और साथ में दूध भी उबाल लिया है। तो चलिए अभी हम पी लेते हैं चाय सुबह की, और लवी भी तैयार होके कॉलेज को चल पड़ी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों 12 बज चुके हैं, और अभी मैं घर के अंदर ही हूँ, छत में गई नहीं हूँ क्योंकि मेरा काम ही पूरा नहीं हुआ था। एक तो सुबह सुबह बंदरों ने आकर के सारे मेरे गेहूँ गिरा दिए, तो कम से कम 15-20 मिनट मेरे को वहाँ पर लग गए, और फिर उसके बाद मैं छत में पानी डालने लग गई, और हमें थोड़े गमले वमले ठीक किए, और बंदर गमले भी तोड़ के चले गए थे, गमले वमले ठीक किए, और थोड़ा वहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाए, तो वहीं पर मेरे को एक डेढ़ घंटा वहाँ पर लग गया। और उसके बाद आने के बाद मैंने फटाफट झाड़ू पोछा किया, नाश्ता बनाया, चाय वाय बनाई, और लवी को कॉलेज को भेजा, उसके पेपर हो रहे हैं आजकल। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी काम करते करते ना 12 बज चुका है, और अभी मैंने दाल बना दी है, अरहर की दाल बनाई है, और चावल भी मैंने धो के रख दिए हैं, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, और अब सिर्फ बाल्टी में रखने हैं। और अब मैं जा रही हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। बंदरों ने इतना दुखी कर रखा है ना, रोज़ कुछ ना कुछ, या गमले तोड़ के चले जाएंगे, कोई सामान गिरा के चले जाएंगे। अभी तो मैंने बाहर से भी गमले रखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको भी ना नीचे गिरा के चले जाते हैं। तो अभी कपड़े मेरे ना सारे निखर भी गए हैं, पानी निकल गया, आधे सूख गए हैं कपड़े। तो ना मैं जल्दी धो लेती हूँ, लेकिन डालती हूँ देर से, तो इसलिए कि मैं सोचती हूँ एक बार जाओ फिर नीचे आओ, तो इससे अच्छा तो सारा काम करके कपड़े लेके ही जाओ ऊपर, तो इसी चक्कर में ना देर हो जाती है। ये सब मुझे अभी सफाई करनी है छत की, अभी अच्छे से हुई नहीं है, ये मोटा मोटा उठाया है अभी मैंने सारा। धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, लेकिन मुझे ना ये धूप बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं अभी नीचे से आ रही हूँ, नीचे हो रहा है ठंडा, और ऊपर ये गुनगुनी धूप आ रही है, बहुत तेज़ धूप तो नहीं आ रही, सोने वाली धूप आ रही है, अगर हम लेटेंगे तो हमें नींद आ जाएगी यहाँ पर। तो अभी मैंने 2-4 गमलों की और मिट्टी खाली करी, और उसमें पौधे दूसरे गमले में लगाए जो मिट्टी छान के रखी थी, वो मिट्टी डाली गमलों में, तो इसलिए मुझे ना डेढ़ घंटा करीब मुझे लग गया, तो इसलिए मैं लेट हो गई। तो चलो कोई नहीं, अभी ये अभी बहुत सारा काम पड़ा है, गमले सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कोई इधर रखा है कोई उधर रखा है, ये सही से नहीं लगाए हैं, अभी जब पूरा काम हो जाएगा मिट्टी विट्टी छानने का, कूड़ा करकट सारा उठा लूँगी जब, तब अच्छे से लगाऊँगी गमला, तब अच्छे से लगाऊँगी सारे गमले। और कुछ पौधे भी अभी मुझे लाने हैं, कुछ गमले पड़े हैं उसमें लगाने के लिए। चलिए अभी तो फिलहाल सारा काम हो गया है, और अब मैं सेक हो गूँ, और फिर मिलते हैं हम आपसे लंच के टाइम पे। लंच में मैंने बनाया है अरहर की दाल, चावल और पालक की सब्जी, और जिसके लिए हम 3 बजे तक रुके रहते हैं, उसने तो खाया नहीं लवी ने, और मैं और मिन्नी खा रहे हैं, बेकार है उसके लिए 3 बजे तक रुकना, इसके लिए हम 3 बजे तक रुके रहते हैं, वो खाना ही नहीं खाती है, कल से हम खा लेंगे बेकार में। ओहो खाना पीना हो गया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और अब ये कितना चावल भजिया, देखो
अब मैं इसको ना रात को फ्राई करके इनको खिलाऊंगी, क्योंकि तीन लोगों के लिए तो इतना बनता ही है खाना, और ये लोग पता नहीं खाते ही नहीं है, जिन्हें क्या करते हैं, ये तो कॉलेज से आकर के थोड़ा सा खाती है, आज तो वो भी नहीं खाया इसने, तो कोई नहीं, अभी रात को मैं फ्राई करूँगी और सब्जी बनाऊँगी, तो बर्बाद करने से अच्छा है खा लेंगे। तो दोस्तों अभी अब मेरे को लग रहा है जाड़ा, सुबह काम करो ठंडा लगता तो छत में दौड़ लगाते हैं, और अभी खा पी लिया है, खाने के बाद ना और ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो अभी कपड़े पहनते फटाफट और फिर जाते हैं छत में। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो किचन में बन रही है चाय और साथ में सब्जी मैंने चढ़ा रखी है पालक की, तो चाय हम ना इसी समय चाय पीते हैं, इसी समय मुझे अच्छा लगता है चाय पीना। और लवी के लिए मैंने सेक रखे हैं ब्रेड, भूख लगी है मम्मी, ब्रेड सेक दो बोल रही थी। ये चाय लगभग बन चुकी है और हमारी चाय पीने तक मेरी सब्जी भी बन जाती है, तो चाय बन चुकी है, मैं इसको छान लेती हूं। लवी चाय, साढ़े आठ हो गया है और अभी हमने खाना नहीं खाया है, अभी मैं आई हूँ थोड़ा बाहर, और सुनसान हो गई हैं गलियाँ, और ठंडे के दिन है ना आजकल, जल्दी लोग अंदर चले जाते हैं, दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं, और बड़ी ठंडी हवा चल रही है ये। तो चलिए अब हम भी खा लेते हैं खाना, खाना हमारा बन चुका है। किचन में ये मैंने रखा है गुनगुना पानी पी लिए हम, और सब्जी फिर से गर्म कर दी है, तो दो दो रोटी खाएंगे हम, भूख तो लग नहीं रही है, और अभी नहीं खाएंगे तो आधी रात को भूख लग जाए, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। और डिनर करने से पहले हम ब्लॉग को करते समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना, गुड नाइट, बाय।